Welcome. Miscellaneous Questions 1st July 2018 को SBI PO का प्री एग्जाम संपन्न हुआ. डिफरेंट सेट्स में आए हुए क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट सेट के ज्यादातर क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका. दूसरे सेट में, थर्ड में, फोर्थ वे वगैरह में जो कुछ क्वेश्चंस आए और जिन्हें आप तमाम स्टूडेंट्स ने भेजे, उनका ही ये कलेक्शन है. इसमें एक डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन भी है और 3 जो है वो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. सुंदर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. आने वाले शिफ्ट में और दूसरे एग्जाम में ये काफी मददगार साबित होंगे. तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर, अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है. मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं. इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप. तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये मिक्सचर का है, बहुत ही शानदार है. अब तक जिस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, मूल बात तो वही है लेकिन थोड़ा परिवर्तन है. एग्जैक्टली अगर बोलिए कि यही क्वेश्चन कभी आया था कि नहीं किसी एग्जाम में, तो मैं कहूंगा, मुझे तो नहीं लगता कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कभी आया था. A vessel contains a mixture of 160 liter of milk and 120 liter of water. The next liter of mixture is taken out and 20 liter of milk and 25 liter of water are added to the remaining mixture. If the difference between the quantity of milk and water is 100, then find x. बहुत शानदार क्वेश्चन है. देखिए यहां हम जो लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मिल्क को यहां लिखते हैं, समझाना है इसीलिए, मिल्क, वाटर, ठीक. तो पहले 160 मिलीलीटर मिल्क है, लीटर मिल्क है, 160 रहने देते हैं, बाकी सब लीटर में ही आएगा. और ये 20 है, ये है, इतना है, मिल्क भी लीटर में और वाटर भी लीटर में, ये है. यानी अगर हम टोटल बात करें तो टोटल आपका 180 लीटर है. टोटल अगर हम बात करें, सम बात करें, तो इतना है. इससे एक्स लीटर मिक्सचर बाहर होते हैं, दैट्स द पॉइंट. जो बाहर होंगे उसमें रेशियो क्या है, 8:1 का रेशियो है कि नहीं. मान लेते हैं कि 8K और 1K बाहर हुआ, तो x लीटर बाहर हुआ, तो x का मतलब हुआ 8K प्लस 1K, यानी कि 9K लीटर बाहर हुआ, ठीक है. तो रेशियो जो था वो 8:1 का था. तो हमने कहा, मान लेते हैं कि 8K और 1K बाहर हुआ, निकला, यानी x लीटर निकला, इस रेशियो में निकला. और 20 लीटर ऑफ मिल्क डाले गए, प्लस 20 डाले गए, और वाटर 25 डाले गए. तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना आया, कितना आया, ये तो रेशियो है ना, ये तो रेशियो है. तो देखिए, ये मिल्क हुआ 185 माइनस 8K, ये आया. और ये 20 एंड 25, 45 माइनस के, ये आया फाइनल. अब ये निकालने और डालने के बाद, इतना मिल्क है और इतना वाटर, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 100 मिलीलीटर है. बस बस बस, 45 को और 100 को दोनों को इधर लाके माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, 35. और ये प्लस के और माइनस 8 के, माइनस 7 के, उधर जाके क्या होगा, 7 के, यानी कि k इज इक्वल टू 5. तो x का वैल्यू निकालना था, 9 × 5, 45 होगा कि नहीं, सी इज द आंसर. कितना शानदार क्वेश्चन था बताइए, कितना बढ़िया, कितना सुंदर क्वेश्चन था बताइए. ठीक है, आगे बढ़ूं. इसके
इसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 20% लेस देन डाउनस्ट्रीम स्पीड. तो अप में स्पीड को u माइनस v यानी y कहते हैं और डाउन में स्पीड को x यानी कि u प्लस v कहते हैं. तो एक तरह से दिया हुआ है कि 20% लेस है अप, तो अप में डाउन की तुलना में, यानी कि अगर हम इसे 5 कहें तो ये 4 ना हुआ, 4x और 5x ना हुआ, नीचे बता दूंगा. अप में जाने में जो टाइम लगता है, तो अप में डिस्टेंस कितना तय होता है? 72 किलोमीटर, तो इतना आवर लगा, और 45 किलोमीटर, इतना आवर लगा, एंड द टोटल टाइम इज 6 आवर्स. मतलब ऐसा है कि y जो है x की तुलना में, अगर ये हमें 100 माने तो 20% लेस है, यानी कि 80 है, यानी कि 5:4 उधर से है कि नहीं. बस यही तो है ना, यही तो है ना. ये 27 बाई एक्स को अगर हम 6 बोलें, एक्स हमने कह दिया, एक्स दरअसल वहां यूज होता तो आप के बोल दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, के बोल देते तो अब तो ठीक है ना. के, तो के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू 4.5. हमसे क्या पूछा है, हम क्यों निकालने जाएं कि y क्या है? मतलब हमने मान लिया ना कि ये 5k है, ये 4k है, x y. हमसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम. स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम यानी v किसको बोलते हैं? v किसको बोलते हैं? 5k माइनस 4k बाई 2 को बोलते हैं, यानी k बाई 2 को बोलते हैं, 4.5 बाई 2 को बोलते हैं, 2.25 को बोलते हैं. जल्दी बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका आंसर हुआ 2.25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, किलोमीटर पर आवर. हम क्यों निकालने जाए एक्स वाई, फिर उसके बाद सीधा सीधा यहां सॉल्व करते हैं ना, बाद में वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, आइए नेक्स्ट. थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको बात करते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 288 मीटर and length of a rectangle is twice the breadth. मतलब कहने का मतलब कि अगर हम बोले कि ये b है तो l जो है वो 2b है, l जो है वो 2b है, और दिया हुआ है कि एरिया यानी 2b into b is equal to 288. तो आसानी से आप बता सकते हैं कि b square 144, तो b का मतलब क्या हुआ? b का मतलब 12 हुआ. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि पेरीमीटर बताइए उस स्क्वायर का जिसका साइड 4 मीटर ज्यादा है इसके ब्रेड से. तो ए जो है वो बी प्लस 4 है, 12 प्लस 4 है 16 है, तो पेरीमीटर क्या होगा? 4a यानी 64 मीटर. आंसर ठीक है. तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था और आसानी से आप सबों ने इसे बनाया भी होगा जिनके शिफ्ट में आया होगा. ठीक है, आइए इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो डेटा सफिशिएंसी का है. पूरा क्वेश्चन इस रूप में समझिए, मैंने नहीं लिखा कि ये दोनों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टेटमेंट 1 और 2 है. उसके बाद आपको बताना है कि 1 अकेले देता है, कि 2 अकेले सफिशिएंट है, कि दोनों मिलके है, कि आइदर है, कि डेटा इनएडिक्वेट है, लाइक दैट. हम लोग आंसर लाने के बाद बात कर देंगे कि क्या है. तो निकालना है हमें कि फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क बाई ए बी एन सी. ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा सवाल है. यानी क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? तो अगर 1 सफिशिएंट नहीं है तभी 2 का सवाल उठता है. यदि 1 सफिशिएंट नहीं है
तो ही टू का सवाल उठता है। तो पहले वन देखना होगा, टू सफिशियंट अगर नहीं है तभी वन का सवाल उठता है। तो बी अकेले सफिशियंट तो होगा नहीं कि बी 48 डेज में काम कर सकता है पूरे को, तो हम ए बी सी कैसे निकालेंगे। तो ये अकेले तो सफिशियंट होगा नहीं, वन में सवाल उठता है कि वन क्या है। तो सिर्फ वन को लेके बात करते हैं, दो तरह से बात कर सकते हैं, ए और बी 24 डेज में काम कर सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी 24 डेज में कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि ए प्लस बी 24 डेज में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36 डेज में कर सकते हैं। ये भी दिया हुआ है कि ए जो है वो 200% मोर इफिशियंट है, यानी ये भी दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू 3c है। तो यस, वन इज अलोन सफिशियंट टू गिव द आंसर, वन अकेले आंसर देता है। अब सिर्फ ये देखना है कि टू अकेले देता है कि नहीं, तो टू अकेले नहीं देता। अगर टू भी अकेले देता तो आइदर का मामला होता, अदरवाइज वन का मामला हुआ कि वन इज अलोन सफिशियंट टू गिव द आंसर। आंसर हुआ, बताता हूं कैसे, वन स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशियंट बट टू अलोन नॉट, ये भी है समझ गए ना, बट टू नॉट, क्योंकि ऐसे नहीं होगा, बट टू नॉट, ये आंसर हुआ, ठीक है। पहली बात है कि इसमें आंसर निकालना तो होता नहीं है, a इज इक्वल टू 3c है, 3c यहां रख देंगे तो 3c प्लस b मालूम है, b प्लस c मालूम है तो c मालूम हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो भी मालूम हो जाएगा, निकालना थोड़े है। यस इट इज, वन इज अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अच्छा मैं बताता हूं ये सोच के कि इसको एक क्वेश्चन मान के बात किया जाए, हाउ टू सॉल्व। a इज इक्वल टू 3c है ना, a की जगह में 3c रखते हैं, फर्स्ट मेथड कि नहीं, हम लोग बनाते हैं कि कैसे करेंगे। आंसर हो चुका, बनाना नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन मान लीजिए ये चैप्टर का एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस है, तो a इक्वल टू 3c है, तो 3c है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2c प्लस c प्लस b पहला वाला मामला में, देखिए छोड़िए, 3c प्लस b है ना 24 डेज में, इसको लिख सकते हैं b प्लस c प्लस 2c, ये कर सकता है 24 डेज में, और ये हमें मालूम है कि b प्लस c 36 डेज में। a और b मिलके इतने दिनों में, a अकेला इतने दिनों में, b अकेला कितना, b अकेला मतलब 2c कितना, 2c कितना, 2c xy by y माइनस x स्क्वायर, यानी c अकेला हुआ 144 डेज, और c अगर 144 डेज है और a और b 24 है, तो a a एंड b है 24 और c है 144, तो दोनों मिलके आराम से निकलेगा xy by x plus y यानी 168। इससे ये कितनी बार कटेगा, 7 टाइम्स, यानी 20 and 4 by 7 आंसर, अगर निकालना होता तो कि a b c तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये फर्स्ट मेथड, ओके। सेकंड मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड बताता हूं, इसका एलसीएम लीजिए तो 72 यूनिट वर्क हमने मान लिया, तो ए और बी 24 यूनिट कर सकते हैं, तो ये कितने दिन में करेंगे, 3 यूनिट्स पर डे, और ये कितने करेंगे, 2 यूनिट्स पर डे। ए जो है 3c के बराबर है, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ए के जगह में 3c रख दीजिए, ए के जगह में 3c रख दीजिए, तो a की जगह में 3c रख देंगे तो b प्लस 3c हो जाएगा, यानी b प्लस c प्लस 2c हो जाएगा, और ये 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 कितने दिनों में कर सकते हैं, ये कितना यूनिट कर सकता है, 3 यूनिट्स पर डे, और b प्लस c कितना कर सकता है, देखिए b प्लस c 2 यूनिट्स, तो 2c कितना हुआ, 1 यूनिट, तो c अकेला कितना हुआ, हाफ यूनिट, बस हो गया।
हमें ए बी सी निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बोल देते हैं, तो 3 प्लस 0.5 यानी कि 3.5 यूनिट्स पर डे, तो 72 यूनिट्स इन हाउ मेनी डेज, 3.2 डबल कर दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 20 एंड 4 बाय 7 वो अगेन वो थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, लगातार एग्जाम्स होने हैं, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मॉक टेस्ट आईबीपीएस आरआरबी के लिए भी शुरू करूंगा, एसएससी के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं देने के लिए। आपका एग्जाम है, पूरे विश्वास के साथ एग्जाम दीजिए और एग्जाम में जो आता है वो 100% परफॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट।